महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, देश को आजाद कराने के लिए लंबी लड़ी और अंत में कांग्रेस पार्टी के महान सपूतों ने, महापुरुषों ने, देश के महापुरुषों ने अपने प्राण न्योछावर करके, अपने आप को शहीद करके भी इस देश को बचाया। और देश को आज़ाद कराने के बाद में जो भारत का संविधान लागू हुआ, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान बना, जिसमें हम सब लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसी ताकतें केंद्र में सत्ता में हो गई जो न संविधान को मानती हैं, देश की आज़ादी में कांग्रेस के योगदान को नकारती हैं। जिस आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी में नगण्य योगदान था, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कह करके देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की साजिश करके उस संविधान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, संविधान का अपमान करने में लगे हुए हैं, हमारी जुडिशियल को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज संकल्प लेती है कि पूरे देश में जो केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आंसू रुला रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को सड़कों के ऊपर ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जो देश में जो संविधान है उसकी संविधान को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी से हिटलरशाही का शासन चला रही है, उन ताकतों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक क्रांति लाएंगे पूरे देश में कि जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, वो आज राष्ट्रभक्त बन करके देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, क्रांति लाएंगे और सत्ता से, केंद्र से दूर भगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कई सारे रेप केसेस पिछले साल में सामने आए, प्रदेश है वाले और राजस्थान में महिला अपराध कोई आसिए पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राजस्थान में ये केस कोशिश कर रही है कि जो महिला जिसकी माँ भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक रही है, उसको किनारे करने में आसिए लगाने पे जरूर कुप्रयास कर रही हैं। केस सामने आना अलग बात है, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश ऐसा कभी नहीं रहा जब अपराध घटित नहीं हुए, लेकिन सरकार जो होती है वो अपराध घटित होने के तुरंत बाद में उसके ऊपर एक्शन और उसको सजा के अंजाम तक पहुंचाना, राजस्थान में बहुत ही शानदार तरीके से लैंड ऑर्डर चल रहा है। कहीं भी घटना घटती है उसके तुरंत बाद में एक्शन होता है, उसको सजा के बिंदु तक पहुँचाने का काम कांग्रेस की राजस्थान में सरकार कर रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जो हमारी सरकार कोरोना में बहुत शानदार मैनेजमेंट हुआ, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी योजनाएं जो प्रदेश के लोगों को जो फायदा देने वाली हैं वो लाए गए, उनके बारे में बोलने के लिए उनके पास भी एक शब्द नहीं है। कांग्रेस की ढाई साल से जो सरकार, जो वादे 64% पूरा जनता से जो वादे किए थे वो पूरा कर चुकी है, ऐसे में उनके पास कोई नहीं है। कपोल कल्पित आरोप, मिथ्या आरोप वो लोग बाग लगा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान, एनसीआरटी की बुक में ये भी लिखा हुआ है, एनसीआरपी ब्यूरो रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है उस पुस्तक में कि पंजीकरण दर्ज होना अपराध साबित नहीं करता है। जब हमने सबसे पहले ये कहा था कि एफआईआर जो लोज नहीं होती थी थाने में जाने के बाद में पीड़ित की, वो हम प्रत्येक एफआईआर को लोज करेंगे, और आप देखिए कि जो कोर्ट में 16% जो मुकदमे 156(3) सीआरपीसी के तहत आते थे, उनमें आधे से ज़्यादा की कमी होगी। तो ये बात दर्शाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन था तो
तो अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता था, फरियादी को दूर भगा दिया जाता था थाने से। आज एसपी के यहाँ थाने में भी वो तमाम रिपोर्टें दर्ज होती हैं और उनके कार्रवाई भी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दे हैं ना कोई किए हुए काम है। बीजेपी केंद्र सरकार में आई, आज तक बीजेपी ने लगभग 2 बरस पूरे हो जाएंगे, उनके भी 1.5-2 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उनका जवाब देती नहीं है। बीजेपी इधर उधर की बात करती है और अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग करती है वो पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को अभी कुछ काम करना चाहिए। इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, इनके वो प्रभारी अरुण सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, वक्त आ गया जब कोरोना के बाद देश के लोगों की हालत बहुत ख़राब है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करे मोदी सरकार। ज़रूरत तो इस बात की है कि शहर में जो बेरोजगार है, हालात ख़राब है, गाँव में तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून लगा तो उसके कारण महल में गरीब में झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो आज लोग शहरों पर हमला कर देते। भलाओ मनमोहन सिंह जी की सरकार का, सोनिया गांधी की सोच का, कि उस वक्त रोजगार गारंटी कानून बना, गांव-गांव में जाओ, टिफिन लेकर महिलाएं, आदमी सब जाकर रोजगार गारंटी कानून में नरेगा में काम करके अपना भोजन ले रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। अब वक्त आ गया जब शहरों में रोजगार गारंटी कानून लगे, मोदी सरकार एक भी काम नहीं कर पाई, महंगाई जबरदस्त हो गई। बार बार बात करते हैं राजस्थान के वेट की, तो 2014 में भी राजस्थान का वेट तो इतना ही था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में 70 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बिकता था क्योंकि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और सेस नहीं था। इस वक्त मुद्दा है लोगों को रोजगार मिले, महंगाई से मुक्ति मिले, भूख से परेशानी मिटे। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के लिए नीति आयोग से हमने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें यहाँ तक कहा कि खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का दायरा बढ़ाओ। FCI के गोदामों, मैंने खुद ने यह बात रखी, FCI के गोदामों में गेहूँ सड़ रहा है, वो गेहूँ बाहर निकलना चाहिए। केंद्र सरकार को राजस्थान में लोग, आज भी पूरे देश में लोग चाहते हैं खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में उनको भी गेहूं मिले सस्ता, 1 रुपये किलो में मिले, फ्री में मिले, तो आप दो ना। इस वक्त बीजेपी बात कर रही है पॉलिटिकल, बीजेपी को ज़्यादा चिंता यह है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी को यह चिंता नहीं है कि राम राज्य की कल्पना करे बीजेपी। बीजेपी आ गई केंद्र में, जीत गई, बीजेपी तो यह कह रही है हम नहीं होते तो भगवान राम समुद्र में होते, भगवान राम नहीं होते तो बीजेपी का पता ही नहीं होता बीजेपी कहाँ है। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, राम राज्य का मतलब है जन कल्याण और विकास, राम राज कर रही है राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार राम राज के विपरीत काम कर रही है, क्योंकि ना तो कोई जन कल्याण है ना कोई विकास है, यदि कहीं है महंगाई है भुखमरी है, यही तो केंद्र सरकार की पहचान है। इसलिए बीजेपी को अपना जवाब देना चाहिए, अपने घर के बारे में बताना चाहिए। राजस्थान की बीजेपी तो फेल हो गई क्योंकि ना तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा पाई ना अपने घर को एक रख पाई, ये आपस में लड़ने से इनको फुर्सत नहीं है। अब इनके कौन कौन नेता आते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, हर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं है। इनके नेता कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उनको देश की जनता जो जवाब मांग रही है महंगाई के लिए, अन्याय के लिए, जुल्म के लिए, धोखाधड़ी के लिए, वो जवाब देना चाहिए। एक बात मुझे ये बताइए, मैं आप ये पूरा देश जानता है, राजस्थान की पहली ऐसी कांग्रेस की सरकार है जिसने ये सिस्टम लागू किया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना थाने की जिम्मेदारी है, थाना यदि नहीं करता तो SP के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। राजस्थान पहला ऐसा राज्य जिसने लोगों को अधिकार दिया, स्वागत कक्ष बने थानों में, आए तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखो फिर जाँच करो, गलत हो तो FIR लग जाए। आप ये देखिए राजस्थान में जो बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं उनमें अधिकतर में 60-65-70% में FIR लग रही है, क्योंकि FIR दर्ज करना तो कानूनी रूप से प्रावधान कर दिया कि जिससे पुलिस मनमानी नहीं करे, जनता ये शिकायत नहीं करे कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। राजस्थान की कानून व्यवस्था देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, तुरंत प्रभाव से एक्शन होता है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है, हमारी गुड गवर्नेंस में कोई कमी नहीं है। हालात यदि कहीं ख़राब है तो UP के बच्चा सुबह निकलता है, उत्तर प्रदेश में शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, लोगों में दहशत है। इसलिए ये बात जो बार बार करती है बीजेपी, कानून व्यवस्था की बात हो तो कानून व्यवस्था तो बीजेपी के राज्यों में खराब है, हमारी कानून व्यवस्था सबसे ठीक है। आपके यहाँ सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, कल एक महिला की मौत भी हो गई, जगह जगह सड़क के गड्ढे हो रहे हैं, नगर निगम ध्यान कि एक बात सुन लीजिए, जयपुर कोई एक पर्टिकुलर सड़क खराब हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जयपुर में डेवलपमेंट के हिसाब से जयपुर देश के अच्छे शहरों में गिना जाता है। कौन सी सड़क है हम चेक कर लेंगे, यदि कोई स्पेशल सड़क छूटी हुई है तो उसको ठीक कर देंगे, बाकी जयपुर में विकास की कोई कमी नहीं है।